जय श्री कृष्ण। राम रक्षा स्तोत्र अभ्यास क्रम 15वां दिवस इस महर्षि विश्वामित्र की रचना का अभ्यास कर रहे हैं। आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके 17वां 18वां 19 20 21 पांच श्लोक साथ में गाएंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे साथ गाते जाइए। श्री गणेशाय नमः। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ कुंडरीक विशालाक्षौ कृष्ण जिनामरौ। फला मूला शिनौ दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्। रक्षः कुल निहन्तारौ प्रायतनौ रघुतमौ। आत सज्ज धनुषा विशुष्पृशौ अक्षया शुगनिसङ्गसङ्गिनौ। रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। सन्नद्धः
खड़गी चाप बाण धरु युवा गच्छन् मनो रथोऽस्माकम् रामः पातु स लक्ष्मणः रामः पातु स लक्ष्मणः साथ देने वाले सभी को विशेष रूप से नमस्कार। अलग अलग विषय को एक साथ में कैसे समेट कर राम का परिचय करवाया हुआ। जगत जैत्रयी वज्र पंजर आदिष्टवान आराम कल्प, ये सब फलश्रुति के श्लोक 6 श्लोक देख रहे थे और कल 17वां श्लोक तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनंबरौ, ये कल देख रहे थे। संक्षेप में थोड़ा रिकैप भी कर ले क्योंकि एक शब्द में इतना सारा मार्गदर्शन है। ये एक शब्द भी यदि समझ में आ जाए और हमारे जीवन के साथ जोड़ने में सफल हो जाए तो ये फलश्रुति जो बताई है उसके हम अधिकारी बन जाएंगे। राम और लक्ष्मण दोनों का वर्णन करते हुए विश्वामित्र अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जिस समय का स्वरूप देखा उसका वर्णन कर रहे हैं। तरुण हो रूप संपन्न हो तरुण युवान, कल देख रहे तरुण के 3 लक्षण युवान के, तेजस्विता तत्परता और तपस्विता, 3 बातें यहाँ पर है। वह समझ लीजिए युवान है, कितने वर्ष उसकी उम्र है उससे पहचान नहीं, युवानी की पहचान की तेजस्विता, निराश कभी नहीं होता, तत्परता करके रहूंगा, वह भूमिका वाला युवान, ये 3 तरह दिए हुए तरुण के साथ, और तपस्विता घिसने के लिए तैयार है, दूसरे को घिसने वाला उसे बूढ़ा कहते हैं और स्वयं घिस कर दूसरों की सहायता करने वाला वह तरुण वह युवान, तेजस्विता तत्परता और तपस्विता, ये बहुभूति का कल देख रहे थे वर्णन, बहुत ही सुंदर लवकुश का वर्णन उत्तर रामचरित्र में पढ़ना चाहिए। कुश को देखकर राम के मुंह से कौन से शब्द निकले हुए हैं। तरुण हो रूप संपन्न हो, रूप संपन्न हो अंदर और बाहर दोनों की सुंदरता, बाह्य सुंदर जो लगता है वह विदूषक है, एक्टर है, दिखावा बाह्य दिखावा, लेकिन भीतर में वैसे ही सौंदर्य है क्या, उसके भी कई नाम है, भाव सौंदर्य चरित्र सौंदर्य, ये उसकी भीतरी डेवलपमेंट का परिचय है। अंदर बाहर चरित्र का सौंदर्य, विचार का भाव का गुण का, और वह प्राप्त करने के लिए सद्विचार की आवश्यकता है, सद्गुणों का चिंतन, सत्कार्य के लिए समय निकालना, इनसे ही ये रूप संपन्न हो। बाहर और भीतर दोनों का रूप जब ऐसी ऊंचाई पर आ जाता है तो वह राम और लक्ष्मण रूप संपन्न हो। कल अष्टावक्र का भी देख रहे थे, बाहर का सिर्फ चमड़ा देखने वाला वह तो चमार है, बाह्य स्वरूप देखता पश्य पशु, भीतर का जो
डेवलपमेंट गुण जो है, सौंदर्य जो छिपा हुआ है, वह जिसकी समझ में आता है वही महापुरुष, वही राम और लक्ष्मण रूप संपन्न सुकुमारो महाबलो, ये भी कल देख रहे थे, कोमल और कठोर, पुष्प जैसे कोमल और वज्र के समान कठोर। राम कर्कश, ये पहले भी आया हुआ राम रक्षा स्तोत्र में, अपने भूल की क्षमा नहीं करने वाले और दूसरे की भूल उसको सामान्य गिनने वाले, वही सुकुमारो महाबलो, वह जिसकी ऊंचाई प्राप्त की है वह सुकुमारो महाबलो। हमारी दूसरे की छोटी भूल बड़ी देखना और वह बड़ों की अपनी स्वयं की भूल जो रहेगी उसे बड़ी करके देखेगा, इसकी सजा मुझे ही लेनी होगी, स्वयं सजा मांगने वाला, वो भी बहुत सुंदर उदाहरण हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। लेकिन आज यहाँ पर बाहर और भीतर का डेवलपमेंट वह देख रहे, कमल और पुंडरीक विशालाक्ष, श्वेत कमल पत्र जैसे अविकारी विशाल नेत्र वाला, उसकी दृष्टि पूरा विश्व परिवार, संकुचितता नहीं है, जिसकी संकुचितता है वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति व्यापक है, इसलिए तो हमारे यहाँ विश्व भारती पूरे विश्व को समझाने वाली, उसको कुछ देने वाली संस्कृति जो है वो विशाल दृष्टि है जिसकी, और वो दृष्टांत दिया हुआ कमल आकाश की ओर दृष्टि है, लेकिन उसकी शिकायत नहीं है कमल में उत्पत्ति होने की, कीचड़ की शिकायत नहीं है, वह भूमिका पुंडरीक विशालाक्ष। और राम का नाम एक माने दिया होता राजीव लोचनम, राजीव का अर्थ कमल जैसे नेत्र, वैसी अविकारी जिसकी दृष्टि है वह पुंडरीक विशालाक्ष। पुंडरीक का दूसरा अर्थ भी डिक्शनरी में देखेंगे तो विष्णु व्यापक सभी जगह, वैष्णव वही है जो मंदिर के बाहर भी विष्णु का हाथ दिखता है, मूर्ति से शुरुआत की लेकिन मूर्ति को बाहर ले जाने वाले सभी मूर्ति में विष्णु को ही देखने वाला वही पुंडरीक। चीर कृष्णा जिनाम्बरो, चीर कृष्णा ये भी कल देखें, कृष्ण मृग का चमड़ा धारण किया हुआ, आज मृग के चमड़े को मंदिर में स्थान मिला हुआ, बूट और चप्पल चमड़े के होने के कारण वह पहन के नहीं जा सकते लेकिन मृग का चमड़ा आसन बनाकर जा सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे मृग जीन जो है वह पवित्र है, उसका बलिदान लिया गया हुआ, और यज्ञ पवित्र जनोई लेते समय भी यदि सही अर्थ में विधि की जाए तो वहां पर भी ये मृग चमड़ा, मृग का चमड़ा जो है वह लंगोटी के रूप में पहनाया जाता है। काशी जाना, भगवान ने सभी आसन, क्योंकि मृग की कृतज्ञता बलिदान मानव जीवन के लिए राजा को मृगया करने की छूट देकर रखी, मृग को मार सकते हैं क्योंकि मृग उसके दौड़ने के कारण सब वनस्पति खेती उसको नुकसान हो जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा, इसलिए मृग ने अपना बलिदान दिया हुआ है मानव जाति के लिए, और उसी के कारण कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मृग चर्म पवित्र गिना गया हुआ। कल ये भी देख रहे थे मांसाहार और वनस्पति आहार, वनस्पति आहार, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ये कल चीर कृष्णा जिनाम्बरो, आज का युवान भारत के कुछ पोर्शन छोड़ के प्राय सभी जगह नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसा वर्ग गर्व से कहता है
ये ऋषियों की तपश्चर्या, उनके कई रिफॉर्म्स, उन्हें कई सारे प्रयोग किए हुए थे जिसके कारण मांसाहार से मनुष्य को वनस्पति आहार पर लाना, क्योंकि मानव की उत्पत्ति समय देखेंगे तो जैसे पशु दूसरे पशु को मारकर खाता है वैसे मनुष्य भी पशु को मार के खाएगा, तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? वह स्वयं मारता है और यहां मारने की क्रिया दूसरों से करवाता है, दोनों में अंतर कौन सा है? मांसाहार, ये प्रयोग हमारे ऋषियों ने किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे ऋषियों के जीवन पर उन पर आक्षेप लगाया गया। कल बताया हुआ था वशिष्ठ कुलगुरु रघुवंश के, उन पर भी आक्षेप, आप सबको मांसाहार करने के लिए ना कहते हैं और स्वयं आप मांसाहार कर रहे हैं, और वशिष्ठ को भरी सभा में सभी के सामने सौगंध लेनी पड़ी, मैंने मांस का कभी स्पर्श नहीं किया हुआ और यदि स्पर्श किया तो मेरी मृत्यु हो जाए। मांसाहार वेजिटेरियन ये हमारे ऋषियों की तपस्या है, उनके किए हुए प्रयोग है, और आज गर्व से भारतीय युवा नहीं भी कहेगा कि यार ऑर्थोडॉक्स आप नहीं जानते हैं, ये पुराने समय की बात है। लेकिन ये पुराना नहीं, नया समय, ये परिवर्तन लाने वाले ऋषि थे, क्योंकि मांसाहारी मनुष्य को खेती वेजिटेरियन खाने के लिए परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए हुए हैं। उसमें से एक प्रयोग है, एक साथ में बंद न करके यज्ञ के दिन आप मांस खा सकते हो, वैसी छूट देकर रखी। ये छूट के पीछे खाने की छूट नहीं दी है, उसे धीरे धीरे मांसाहार छुड़ाना था, क्योंकि यज्ञ और बड़े आयोजन विवादी प्रसंग में जो होस्ट है वह सबकी स्वागत विधि में ही लगे रहेंगे, उनकी उनको भोजन का समय नहीं मिलेगा और धीरे धीरे मांसाहार छूट जाएगा। जब भी राम मंदिर में जाकर अनेक प्रकार के फल और भोजन अर्पण करते हैं लेकिन मांसाहार वर्जित है, नहीं देते, तो तुम क्यों खा रहे हो? भीतर बैठा हो उसे भी खाना पड़ता है, वो वेजिटेरियन है और तुम उसे नॉन वेजिटेरियन खिला रहे हो। यहाँ ऋषियों को कठिनाई थी, तकलीफ थी, उसलिए तो कहते थे एक निर्दोष पशु उसको कठोरता से शस्त्र प्रहार से उसका शरीर छुड़ाना और उसका भक्षण करना ये क्रूरता नहीं है, और क्या है? उसे शरीर छोड़ना नहीं है, किसी को धन नहीं छोड़ना हो और धन चाकू के भय से धन छुड़ाने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? डकैत, तो उसे मरना नहीं है, जैसे तुम्हें मरना नहीं वैसे उसे भी मरना नहीं, उसका भी परिवार है। और ये सृष्टि में, प्रभु की सृष्टि में पशु की भी व्यवस्था भगवान ने की हुई है, उनका भी परिवार है। आज रिसर्च करके देखा गया एंट, छोटी छोटी चींटियां, उनका भी परिवार है, लेकिन देखेगा कौन? जिसे वनस्पति आहार लेना है वही ये सोच सकता है कि पशु को हिंसा करना और बहुत बड़ी हिंसा है, उसका बलिदान के रूप में दी जाता है। कई लोगों का ये मंतव्य है उनको ये पशु शरीर छुड़ाने के लिए बलिदान है, लेकिन बलिदान उसका क्यों लेना है? इसकी हमारे ऋषियों ने एक बहुत सुंदर युक्ति की थी, आइए की युक्ति देख लें। मांसाहार से वनस्पति आहार पर लाने के लिए पशु का बलिदान, महर्षि विश्वामित्र एक क्रांतिकारी ऋषि, उन्होंने नई सृष्टि का सृजन किया था और उस सृजन में नारियल बनाया था और वह नारियल को मानवी बनाने के लिए तैयारी हो रही थी, ऐसा पुराणों में वर्णन है। इसलिए तो नारियल श्रीफल को देखेंगे उसमें आंख है, ऊपर में चोटी है, नाक है,
और वह मानवी बनते बनते रह गया। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रथा की है, बलि को पशु को पशु की बलि नहीं लेनी है, वही क्रिया नारियल लेकर वहां इष्ट देव की मूर्ति के सामने उसको फोड़ना है और चोटी का भाग ले जाओ और वहां बाकी का भाग उसके सामने छोड़ दो। लेकिन कई विरोध करने वाले, उन्होंने प्रश्न उठाया, पशु को मारने से तो खून का छिड़कना होता है और यहाँ तो वैसा कुछ नहीं होता, नारियल में तो सफेद ट्रांसपेरेंट वाटर। तो उसलिए ऋषियों ने एक और रास्ता निकाला, हुआ ये देवी की मूर्ति है उसे लाल रंग से बना दो तो नारियल का पानी उस मूर्ति पर छिड़कने के कारण वहां लहू जैसा, पशु की हिंसा करने से जो लहू निकलता है वैसा ही ये पानी का लाल रंग के साथ मिलने के कारण वह भी वैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। ये हमारे ऋषियों का ही कई प्रयोगों में से एक प्रयोग है। गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ बहुत सुंदर, विभूति योग 10वां अध्याय, भूतानाम अस्मि चेतना, पशु में चेतना है और घूमता है फिरता है पैर उसके और वह चेतना खत्म कर देंगे तो फिर वो विभूति मारना नहीं हो जाएगा क्या? चेतना खत्म कर दी, जड़ता आ जाती है, सिर्फ शरीर रह जाता। भूतानाम अस्मि चेतना, ये जिसको समझ में आ जाए वही वेजिटेरियन। और इसलिए छूट आदि जो जो भी दिए हुए थे, बृहस्पतिवार भोजन मत करो, कई आज भी ऐसे है, गुरु का वार आज ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये सब एक एक करके पशु आहार में से वनस्पति आहार पर लाने का प्रयोग था। वह भूमिका सात्विक, इसलिए आगे वाला शब्द, यदि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? तो जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, यदि पशु के शरीर को आप खाते हो तो पशु का शरीर जो है वह भोग के लिए, भोग और योग की व्यवस्था मनुष्य शरीर में ही, मनुष्या जन नर जन्म दुर्लभ, दोनों की छूट है योग और भोग, लेकिन सिर्फ भोग लेने वाले को दो पैर और दे देते हैं बाबा, वो भोग का शरीर है, वो भोग वाले शरीर को खाने वाला वो उसकी उसका जीवन कैसे बनेगा? विकारी पशु जैसा ही। ये सामान्य लॉजिकल बात भी समझ में आ जाए, जैसा अन्न वैसा मन। आगे वाले शब्द में यदि मांसाहार नहीं करते हैं, राम के मंदिर में भी मांसाहार और अन्य किसी देवी देवताओं के मंदिर में भी मांसाहार वर्जित है, धूम्रपान वर्जित है, शराब पीना वर्जित है, इसके पीछे यही मुख्य कारण है। फल मूला शिनव दानतव, फल मूला शिनव दानतव, फल और मूल सात्विक आहार। हमारे यहाँ भी उपवास के दिवस फल खा सकते हैं, छूट दे करें, मूल जिसके मूल धरती में है इसलिए आलू की सब्जी खाते हैं, छूट दे कर रखिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संकुचितता नहीं, एक्सट्रीमिज्म नहीं है, कुछ नहीं खाना या ज्यादा खाना, ये दोनों का मध्य बिंदु जो है रेगुलेट किया हुआ समन्वय, इसलिए उपवास है, उपवास में कुछ नहीं खाना, ये हमारी संस्कृति में नहीं बताया हुआ, गीता में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ, भूखे पेट होए न भजन गोपाल, ये भोजन नियंत्रित करो, खाने के लिए मैं नहीं हूं, मेरे लिए भोजन है, उसके लिए उपवास है। प्रभु के नजदीक जाना होगा तो फल और मूल सात्विक आहार। फल की उत्पत्ति वृक्ष से होती है और मूल सब्जी आदि जो नीचे से जमीन से उत्पत्ति होती है, जिसकी मूल जिसके रूट्स जमीन के साथ जुड़े हैं, वह दोनों ही सात्विक आहार।
मूलाशी हो वो खा सकते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों वहां पर रॉयल प्रिंस थे दोनों, वो साथ में व्यवस्था लेकर नहीं गए हुए थे, तपस्वी बनकर गए हुए थे, मेरे गुरु की सेवा करने जा रहा हूं और धर्म की रक्षा करने के लिए। पशु वृत्ति वाले राक्षसों जो यज्ञ में विध्वंस यज्ञ विध्वंस करते थे उनको मारने के लिए जा रहे। ये फल मूला सात्विक आहार है, वह तो तामसी आहार है, इसलिए हमारे यहाँ लहसुन और प्याज ये उपवास के दिन नहीं खाते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से यदि देखें तो दोनों में बहुत ही शक्ति भरी हुई है, लेकिन वह शक्ति जो शारीरिक श्रम करता है उसके लिए आवश्यक है, और जो शारीरिक श्रम नहीं करता उसके लिए ये प्लस हो जाएगी, और उसके कारण ज्यादा शक्ति संग्रह होने के कारण विकारी विकार खड़ा हो जाएगा। रावण की जो भूमिका थी इसलिए वर्जित है, वह श्रमिक जो है वह खा सकता है, तो उसके दिन भर श्रम करना होता, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन श्रम जिसे नहीं करना है उसको वर्जित कहा हुआ। तामसी आहार लहसुन और इसलिए हमारे शास्त्र में वर्जित किए हुए, प्रभु को भी फल मूल आदि अर्पण करते तो वहां पर लहसुन और ये नहीं रहता है, इसका कारण यही शक्ति है, वो तो शक्ति का पूंज है। फल मूला शीनव दांतव, दांतव का अर्थ दमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को संयमित करना है, और प्रभु कार्य करने वाले को इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है वह सात्विक कार्य करेगा ही कैसे, और सात्विक आहार करने के कारण उसका संयम जीवन हो जाए। आज यही मिलेगा, संयम है, रोज का मेनू नहीं मिलेगा, आज फल मूल यही खाना पड़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी। एकादशी के दिवस से ये छूट देकर रखी है, मेरा बेटा भूखा कैसे रहेगा, भगवान कहते हैं तुम फल मूल खाकर वह खाने की छूट देकर रखी है। वह भूमिका यहाँ पर दानता, ये इंद्रियों को संयमित करना, मौन मौन का अर्थ क्या, नहीं बोलना है क्या, मौन का अर्थ तो तेरे लिए बोलता है, जो भीतर की शक्ति है उसके लिए बोलने कभी बोलता है क्या, इसलिए मौन है, ज्यादा नहीं बोलना। और यदि महर्षि वेद व्यास चुप हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ये पावरफुल विचारधारा कैसे आती है, महर्षि विश्वामित्र चुप हो जाते मौन रखते, तो मौन का बहुत बड़ा महत्व है, नहीं बोलना नहीं है, समझ कर बोलना, और वैसे समझ कर बोलने वाले को मुनि कहा जाता है, मननशील समझ कर बोल रहा है, इस समझने के लिए समय चाहिए, इसलिए संयम और नियम की आवश्यकता, संयमित वाणी, संयमित दृष्टि, संयमित कान, दूसरे की निंदा नहीं सुननी है। गणपति के बड़े कान का अर्थ यही है, बड़े कान रखो, लेकिन कैसे, दूसरे के गुण के लिए बड़े कान और दूसरे की निंदा हो तो उसे रोक दो, सूप जैसे कान है, फिल्टर, संयमित गणपति का स्वरूप, इसलिए संयमित। हमारे जीवन में भी जब तक संयम और नियम नहीं है तब तक वहां तक पहुंचेंगे। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन बीइंग का परिचय यही है, संयमित है। पशु को नियम नहीं है कोई, जब कभी खाएगा जब कभी सोएगा, मनुष्य के लिए समय निश्चित, सोना खाना पीना बोलना सभी में
लगाम रखी हुई है, जैसे तैसे वाणी नहीं बोल सकता, इसलिए कंठ ही है, बंद नहीं किया हुआ कंठ, कंठ को बांध के रखा हुआ। पशु को भी बांध के रखते हैं बड़े बड़े सेठ जी, उसका पट्टा कि हमारी इतनी सुंदर यहाँ पर शब्द का प्रयोग जो है वह प्रयोग दानत दमनशील इंद्रिया हमारे उपयोग के लिए, उसको इस्तेमाल न करने वाला वह विलास के पंथ में है या फिर विकार के पंथ में है, और उसका सही उपयोग करके संयमित इंद्रिया जिसके पास है, संयमित मन है, वह जीवन विकास के पथ पर। राम और लक्ष्मण दोनों का यह वर्णन करते हुए दानताओ दमनशील बहुत बड़ा संयम था। राम का भी जीवन देखेंगे तो वनवास में 14 साल संयमित जीवन था, साथ में सीता थी, लेकिन दाम्पत्य जीवन नहीं रखा, क्यों तपस्वी हूं मैं। लक्ष्मण भी उर्मिला का स्मरण भी नहीं किया हुआ, इंद्रिया संयमित है, जिसकी इंद्रिया संयमित है वही ज्ञानी ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान और ज्ञान के लिए संयमित मन और संयमित इंद्रिया। तापसव, तापसव का अर्थ तप करना, विशिष्ट ध्येय के लिए घिस जाना, सिर्फ घिस जाते हैं वह बूढ़ा है, भोगों के द्वारा घिस गया, भोगों का भोग लेते लेते बूढ़ा हो गया। हम विवाह में भी वृद्ध को आमंत्रित करते हैं, वृद्ध व्यक्ति उनके आशीर्वचन, ये नए दुल्हा दुल्हन नए कपल को आप आशीर्वाद देने के लिए आइए, शोभा में अभिवृद्धि होगी। एक बूढ़ा तो घिसा हुआ है, और वृद्ध का अर्थ जिसके अनुभव की वृद्धि है, सिर्फ उम्र की वृद्धि नहीं है, अनुभव की है, जीवन के उतार चढ़ाव जिसने देखे हुए हैं वह वृद्ध है, उसमें वृद्धि करने वाले गुण वृद्धि, उनके आशीर्वचन सफल होते हैं। घिसा हुआ अनेक प्रकार के अभी भी टायर्ड रिटायर्ड, अभी भी भोग की तृष्णा छूटती नहीं है। शंकराचार्य की चरपट पंजिका में बहुत सुंदर श्लोक भी दिया हुआ, बाल सफेद हो गए लेकिन बाल तो हम आज कई लोग डाई करवाते हैं, काला दिखना युवान दिखना, दांत हिलने लग गए, हाथ से चल नहीं सकता है, फिर भी वह आशा नहीं छोड़ता, वह भूमि का बूढ़ा व्यक्ति है। तदपि न मुंच त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, चतुर्थ पंजिका का श्लोक कैसे चपत मारी है, अभी क्या क्यों बैठा हुआ, नहीं नहीं डुकृति रक्षाई करणे, ये समझ में आ जाए। वही यहाँ पर राम और लक्ष्मण वह दोनों ही तापस हो वृद्ध, कवि ने एक जगह कटाक्ष भी किया हुआ, और वही कटाक्ष अभी देख रहे थे चटपट पंजरिका में शंकराचार्य। आगे वाला शब्द तापस हो, विशिष्ट ध्येय के लिए घिसने वाले को तपस्वी कहते हैं, और गीता में भी 6 श्लोक तपस्वी का परिचय दिया हुआ। तप किसे कहते हैं, वाणी का तप, मनसा वाचा कर्मणा सात्विक राजसी और तामसी, ये 6 श्लोक दिए हुए तप का अर्थ बताया हुआ, तपना एक जगह पर स्थिर हो जाना। कच्चा सोना सुनर गोल्डस्मिथ के पास जाएंगे तो वह कच्चे सोने को तपाता है, और गर्म होने के पश्चात उसे हथौड़े से मारकर उसका विशिष्ट एक आकार लाता है, और वह आकार लाया हुआ
अलंकार बन जाता है, तब की अत्यंत आवश्यकता है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितैं चाहिए, तपस्वी के लक्षण है वाणी का तप। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को उद्वेग करने वाली वाणी नहीं है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितैं चाहिए, सत्य बोलता है, हितकारक और प्रिय, मनोरंजन करने वाला वक्ता जो है वो मार्केटिंग कर रहा है, लोगों को चाहिए वैसा बोलने वाला जो वह तप नहीं। स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, स्व का अध्ययन मैं क्या कर रहा हूं, कि सतत अभ्यास करता हुआ वह वाणी जो है वह तपस्वी की वाणी, वह तप कर रहा बोलकर। इतनी गहराई हमारे शास्त्रों में और इन शब्दों में भरी हुई है। तापसौ दोनों ही तपस्वी के रूप में ब्रह्मचारिणौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। ब्रह्म का अर्थ वेद, ब्रह्म के लिए चरने वाला, यानी कि दूसरे अर्थ में ब्रह्म के लिए घूमने वाला। वेदों के लिए कोई घूमता है क्या, ये प्रश्न। ब्रह्मचारिणौ वाली, ब्रह्मचारी का अर्थ जिसने विवाह नहीं किया, वो पति नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्म के लिए चरने वाला। सभी चरने ही जाते हैं, हम व्यापारी वर्ग सुबह तैयार चरने के लिए, लक्ष्मी की खोज में प्रोफेशनल ड्यूटी पर चरने वाले, लेकिन वेदों के लिए चरने वाले जो है वह ब्रह्मचारी है। इसलिए हमारे पास, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। और राम और लक्ष्मण वेदों का, वेदों के लिए जो व्रत लिया होता है, वह व्रत में संयम और नियम चाहिए, और संयम से शक्ति मिलती है और नियम से समय मिलता है, और जिसके पास शक्ति और समय है वह ब्रह्मचारी है, जगत का बादशाह। आज बूढ़े व्यक्ति के पास समय है लेकिन शक्ति नहीं है, युवान के पास शक्ति है समय नहीं है, और दोनों जिसके पास है वह संयम और नियम। वैसे राम और लक्ष्मण का वर्णन महर्षि विश्वामित्र कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, ए बिजी मैन ऑलवेज फाइंड्स टाइम, बट ए लेजी मैन नेवर फाइंड्स टाइम। हमारे पास समय नहीं है, क्या कर रहे हो अभी लॉकडाउन में, क्या कर रहे हो? के पीछे दो कारण, एक तो करना नहीं है और दूसरा रुचि नहीं है। करना नहीं है उसलिए समय नहीं है, और रुचि नहीं है समय निकालना नहीं। ये दोनों ही बातें वस्त्रहरण करने वाले कृष्ण, ये देव हमारा वस्त्रहरण करते हैं, क्या करे हो अभी, लॉकअप में हो तुम्हारा, ये समय मिला हुआ था क्या उपयोग किया। ये जिसके पास संयमित जीवन जिसका हो जाता है, वही वेद के लिए घूमने वाला, वेदों के लिए घूमना चाहिए। आज वेद बोलने वाले, धर्म ही चर, धर्म के लिए चरने वाले चाहिए, लेकिन धर्मवद कितने लोग घूमते, वह घूमने वाले जो है उसे ही कृति भक्ति। आचार्य का अर्थ आर्य आचरण, सिर्फ आर्य भाषा बोलने वाले नहीं थे, आर्य आचरण घूमे हुए। वल्लभाचार्य कितनी जगह घूमे होंगे, 84 बैठक, पवित्र बैठक तैयार किए। शंकराचार्य कितनी जगह घूमे थे, और नारद तो सभी जगह घूमते ही हैं, तीनों लोक में घूमते हैं, राक्षस मनुष्य और देव घूमते हैं, चरई। ब्रह्म के लिए चरने वाले ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नौ, राम और लक्ष्मण दोनों ही ब्रह्मचारी थे। समय नहीं है राम और लक्ष्मण, संयमित और नियमित, आलसी व्यक्ति का काम ही बाकी रहता है, वह करता ही नहीं, क्योंकि वह करता ही नहीं है, उसके पास उसके समय नहीं है, आलसी है, लेजी मैन।
कल करना सो आज करना सो अब, ये जिसको समझ में आ जाता है वह ब्रह्मचारी हो, ये संयम और नियम, संयमित और नियमित जीवन के बिना ब्रह्म का कार्य करना संभव नहीं है। पुत्र दशरथ से ही तो दोनों ही पुत्र, पुत्र नहीं पुत्र, राम और लक्ष्मण दोनों ये बहुवचन है, यह सभी जगह बहुवचन। फलम उल्लासीन हो, दांत हो, तापस हो, ब्रह्मचारिण हो, पुत्र हो, ये सभी प्लुरल। दशरथ से ही तो दशरथ के पुत्र, यहाँ पर दशरथ का अर्थ राजा, राजपुत्र से रॉयल, और गए हुए हैं तपस्वी बनकर। इसलिए तो रघुवंश का कवि कालिदास ने वर्णन किया हुआ है, राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, मुकुट और जटा, वही क्षत्रिय है, वही धर्म की रक्षा कर सकता है। और यदि क्षत्रिय चुप हो गए तो पूरी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ही आज जो दिख रही है कलयुग में वह दिखाई दे। और उसके लिए जिम्मेदारी क्षत्रिय की है, रघुवंश की है। रघुवंश किया क्या, वह पुत्र दशरथ से ही तो, ये दशरथ राजा के ही पुत्र थे, और भ्रातर राम लक्ष्मण हो, दोनों ही भाई राम और लक्ष्मण, दोनों ही शरण्य सर्वसत्वानाम। आगे वाला 19वां श्लोक भी देखेंगे, शरण्य सर्वसत्वानाम श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम रक्षा कुलनी हंतारो त्राये तान्नो रघुत्तम। शरण्य सर्वसत्वानाम, शरणागति सात्विक वृत्ति वाले जो है उनकी शरणागति, उसका शरण का स्थान है। श्री कृष्ण शरणम मम, राम शरणम मम, राम की शरणागति, राम बोलो भाई राम, उसकी शरणागति वह करने वाले। उसके लिए दो उदाहरण भी देखेंगे, बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। एक अब्राहम लिंकन का, उसका पहले भी बताया हुआ था, फिर यहाँ पर ये विषय के साथ बहुत ही सुंदर अर्थ है, उसके देखना भी जरूरी है। वह है प्रथम अब्राहम लिंकन अपने घर में रात में प्रार्थना के समय बैठे हुए हैं, और वहां पर एक खूनी हाथ में चाकू लेकर उनके पिछले दरवाजे से चाकू चिपका हुआ, वह भीतर में आता अब्राहम खूनी, और भीतर में जैसे ही आता है तुरंत अब्राहम लिंकन कहते हैं, यहाँ क्यों आया हुआ, मुझे आप बचा लीजिए। खूनी कहते, तू पहले भी 3 बार इस तरह से तू आया हुआ है और मैंने तुझे बचा लिया था, इस बार नहीं बचाऊंगा, यहाँ से निकल जाता, नहीं मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और मुझे पकड़ लेंगे और फांसी पर लटका देंगे, नहीं इस बार नहीं, करके दरवाजा बंद कर दिया हुआ अब्राहम लिंकन। और वहां सो जाते हैं, रात्रि में देवी आती है स्वप्न में, तूने क्या किया हुआ अब्राहम, ये खूनी आया था, मैंने उसे शरणागति नहीं दी, तूने शरणागति नहीं दी, लेकिन खूनी को मैंने तेरे घर ही भेजा था, क्यों भेजा था, तू तो निकाल देगा उसे अपने घर से, लेकिन मैं उसे इस सृष्टि से कैसे निकालूं, और तेरे पास इसलिए भेजा था क्योंकि तू संत है, तो ऐसे मनुष्य को उसके जीवन का पथ दिखाने के लिए मैंने भेजा हुआ था, लेकिन तूने भी इनकार कर दिया। और अब्राहम लिंकन ये स्वप्न का संदेश सुनकर रात्रि में बाहर निकले उस खूनी गुंडे को बचाने के लिए, वापस लाने के लिए। ये भूमिका यहाँ पर विश्वामित्र शरण्य सर्वसत्वानाम, राम ने जैसी शरणागति स्वीकार करी है, श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम। एक और भी सुंदर उदाहरण देखेंगे, जर्मनी की कहानी है, सर्वसत्वानाम यह शब्द प्रयोग है,
शरण्य हो, जर्मनी की एक कहानी है, उसमें तीन वर्ग का वर्णन किया हुआ है कि भगवान के पास सभी कोई मांगते ही हैं, मुझे चाहिए वैसी व्यवस्था भगवान कर दो। इसलिए एक वर्ग मेंढक, मेंढक वर्ग कहता है भगवान आप वर्षा ऋतु में कीचड़ की वर्षा करिए, कीचड़ ऊपर से आना चाहिए, मेंढक कीचड़ में ही बहुत खुश होता है। तो वहां पर दूसरा वर्ग एक डॉक्टर की पत्नी, अरे भगवान मुझे 5 लाख की एक सोने की अंगूठी लेनी है, उसकी व्यवस्था करो। अभी भगवान क्या करें, उस इलाके में 5 लाख की आमदनी करने के लिए डॉक्टर के घर में उसे कितने लोगों को बीमार करना पड़ेगा, फिर वह मांगती है। और तीसरा वर्ग ये जर्मनी की कहानी है, हंस, हंस को चाहिए मोती की वर्षा करिए भगवान, हंस को मोती प्रिय। अभी तीनों ने अलग अलग मांग की है, फिर भगवान क्या करते हैं, वर्षा पान जल की वर्षा करते हैं, उसके कारण कीचड़ भी मिल जाता है मिट्टी के साथ मिलकर, और मेंढक और पानी आने के कारण वह हंस को मोती भी मिल जाते हैं। स्वाति नक्षत्र का पानी छीप में, उसमें मोती हंस को मिल जाती है, और डॉक्टर की पत्नी वर्षा ऋतु के कारण कई रोग होने की संभावना। ये तीनों की अलग अलग मांग है, भगवान किसी का भी तिरस्कार नहीं करते। यहाँ पर शरण्य सर्वसत्वानां, सबका देखना होता है, लेकिन मांगने वाला व्यक्ति मैं चाहता हूं वही भगवान आप दीजिए, वैसा आग्रह। भगवान कहते सर्वसत्वानां, तुझे चाहिए दूसरे को भी चाहिए, सत्व सर्वसत्वानां, श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां, धनुधारियों में श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण। ये यहाँ पर सात धनुष बाण की विशिष्टता राम और लक्ष्मण की थी, वो आज देख कर पूरा करेंगे। प्रथम, बिना धनुष राम का दर्शन नहीं होता, किसी भी मंदिर में जाइए बिना धनुष राम नहीं, धनुष बाण के सही थी ऐसा लिखा हुआ, धनुष बाण पास में ही रखकर राम सोते थे, इसलिए कभी इमरजेंसी खड़ी हुई तो धनुष बाण खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता, साथ में उठाकर तैयार 24 आवर्स एवरी टाइम रेडी। वह किसी मंदिर में भी धनुष बाण के साथ में ही राम का दर्शन है। गीता में भी राम का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कह रहे, नारायण स्वयं कह रहे, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, राम शस्त्र भृताम हम, शस्त्रधारी में राम जो है वो मेरी विभूति है, क्योंकि वह धनुष बाण संस्कृति के लिए, असुरों को मारने के लिए और दैवी वृत्ति वाले को का रक्षण करने के लिए, एक बाण राम का बाण, इसलिए हम लोग रामबाण इलाज कहते हैं, ये रामबाण इलाज औषधि में लिखते हैं, एक बार लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, राम ने एक बार ही बाण चलाया, एक वचनी एक बाण और एक पत्नी वत, ये तीन राम का परिचय। धनुष बाण भी चलाते समय वैसी प्रतिष्ठा होने के कारण शिव धनुष तोड़ा हुआ कसम सीता के स्वयंवर में, लक्ष्मण भी तोड़ सकते थे लेकिन गुरु ने इशारा किया हुआ राम आगे गए हुए, और धनुष बाण तोड़ने की शक्ति, श्रेष्ठ सर्व धनुष मताम, सभी धनुधारियों में श्रेष्ठ, जो कई राजा कई बलवान राजा एक साथ मिलकर भी उठा नहीं सके, वो खेल खेल में तोड़ दिया हुआ तुलसीदास रामायण, श्रेष्ठ सर्व धनुष मताम। युद्ध से पहले एक और रावण को चेतावनी देने के लिए लंका नगरी में सैन्य के साथ पहुंचे हुए, अंतिम चेतावनी
यहाँ से बाण चलाया हुआ, और राम अपने रंग महल में बैठा हुआ विलास कर रहा था, वहां पर एक साथ में 10 मुकुट उड़ा दिए हुए थे। अंतिम चेतावनी हनुमान के द्वारा, अंगद के द्वारा, और अंतिम रंग महल में बैठा हुआ सामने राम का सैन्य युद्ध के लिए तैयार है, और वह विलास भूमिका में वहां धनुष का प्रयोग दिखाया हुआ, एक ही बाण से 10 मुकुट उड़ा दिए हुए। सुग्रीव को भी परिचय दिया। सुग्रीव को राम के बाण के बारे में कुछ शंका थी, इसलिए परिचय के लिए कहा हुआ, और एक ही बाण से 7 ताड़ वृक्ष अत्यंत मजबूत, जो असंभव था, वह देकर अपना परिचय दिया। श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां, सुग्रीव और वाली को भी मारने से पहले पहले दिन राम ने नहीं मारा। और फिर कहते हैं दोनों भाई एक समान लगते थे, लेकिन इनके पीछे और भी बहुत उच्च भूमिका थी। ये दोनों भाई है, भ्रातर और वाली और सुग्रीव। यदि कल सुग्रीव कहेगा मैं तो भगवान वानर हूँ, आप तो जगत की आदि शक्ति है, मेरे भाई को मार दिया एक दिन, दूसरे दिन का वध करते। धनुष्यमान पर जो वाली रावण को बगल में लेकर घूमता था, रामायण में वर्णन है, इतना बलवान था रावण को बगल में रखकर प्रदक्षिणा पृथ्वी में करने वाला, वह एक ही बाण से उसका वध किया। श्रेष्ठ सर्वधनुष्मता, रक्षा सज्जन की और सजा दुर्जनों की, संस्कृति के विजय के लिए श्रेष्ठ सर्वधनुष्मता, ये श्रेष्ठ धनुधारी है जो देवों की रक्षा और असुरों का वध करने के लिए। रक्षः कुल निहंतारौ, यह आज यही पूरा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर शब्द है। और रक्षः कुल निहंतारौ त्रये तानो रघुत्तमौ, राक्षस कुल रावण के परिवार के सहित अंत करने वाले, रक्षः कुल निहंतारौ, हमारे भीतर भी 6 सदस्य है राक्षस कुल के, राक्षस कुल हमारे शास्त्र में तो बहुत ही ऊंचाई पर लिखा हुआ है। राक्षसी स्थान स्नान, आकाश में नक्षत्र हो, तारे हो, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, वह स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। उसके बाद सूर्य उदय नहीं हुआ, उससे पहले स्नान करने वाले वह मनुष्य स्नान, और सूर्योदय के बाद में स्नान करने वाले राक्षस स्नान। हमारा परिचय करें तो कहाँ नंबर लगेगा, बाथरूम में शावर के नीचे नहाने वाले हम, राक्षस कुल का नाश करने वाले। और राक्षस कुल का बहुत सुंदर वर्णन गीता के 16वें अध्याय में बताया हुआ, तो श्लोक पढ़ करके आज करेंगे। गीता में मेरे भीतर भी 6 राक्षस के सदस्य है, उनको उनका अंत करो भगवान, उनसे मेरी रक्षा करो, श्लोक देखेंगे बहुत ही सुंदर श्लोक, जिनको अभ्यास करना। 4वां श्लोक देखेंगे, दंभो दर्पो अभिमानस्य, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभि जातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। 6 असुर के लक्षण है, राक्षस कुल के लक्षण है, दंभ दंभी होते, बाहर का पैकिंग आकर्षक, भीतर में नकली माल, भीतर में कुछ और, भीतर का कैरेक्टर कुछ और बाह्य दिखावे का सौंदर्य कुछ और। कल देखेंगे, बहुत ही महत्व का श्लोक है, और इसके बाद वाला श्लोक भी यहाँ पर इस श्लोक के साथ, 19वें श्लोक के साथ ये मीटर चल रहा है। अनुष्टुप छंद 32 32 अक्षर के ये 19 श्लोक है, अभी एक श्लोक में मीटर बदली किया हुआ, परिवर्तन किया, लेकिन आज का समय कुछ संकेत कर रहा, आज यही समाप्ति करेंगे। ये शरण्यो फलमुलासिनो इस श्लोक का पठन करके आज 17वां 18वां और 19वां 3 श्लोक का पाठ करके
आज यहीं समाप्ति करेंगे। मेरे साथ गाते जाइए ताकि हमारा लेसन भी पक्का हो जाएगा और ये कंठ सुनने में भी आसानी हो जाएगी। करुणौ रूप सम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीक विशालाक्षौ चिर कृष्णा जिनामरौ। फलमूला शिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम्। रक्षः कुल निहन्तारौ त्रायतानो रघुतमौ त्रायतानो रघुतमौ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणु रमन्तनौ देवकी करमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्पुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यहाँ समाप्ति, कल भी इसी समय इकट्ठे हो जाएंगे। अत्यंत रहस्य से भरा हुआ ये स्तोत्र हमारे जीवन के साथ एक एक शब्द में कुछ संदेश है जिसको समझना है। रघुवंश की ऊंचाई है राम, ये सिर्फ हिस्टोरिकल रामायण ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का है। हमारे जीवन को वैसा आकार अलंकार प्रभु का बनाने के लिए ये स्तोत्र की रचना विश्वामित्र ने की। ये बोलकर समाप्ति, विशेष रूप से नमस्कार पार्टिसिपेंट, जय श्री कृष्ण।